सुमध्यानम् प्रियः छात्राः अद्य वयम् सर्वनाम शब्दरूपाणाम् विषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द रूप पिछली दो कक्षाओं में पढ़ाया गया है, उसी का शेष बचा हुआ भाग आज पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी शब्द रूप पढ़ते हैं वह सभी शब्द तीनों लिंगों में उसका रूप बनता है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। आप उसमें विभक्ति, वचन और शब्द के बारे में कई बार सुन चुके हैं, फिर भी उसका आज पुनः सस्वर वाचन करेंगे, उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद उसको उच्चारण करके CW कक्षा कार्य में भेजेंगे और होमवर्क में उसको लिख करके सुंदर अक्षरों में बताएंगे। आए इसका आज सस्वर वाचन करते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, मूल शब्द एतत, ये कई बार आपको बताया गया है, इसका अर्थ होता है यह। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग एषः, यह। स्त्रीलिंग एषा, यह। नपुंसक लिंग एतत, यह। नपुंसक लिंग एतत, यह। विभक्ति जानते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आए इसका सस्वर वाचन कैसे करें। प्रथमा, एतत, एते, एतानि। द्वितीया, एतत, एते, एतानि। तृतीया, एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। पुनः फिर से, प्रथमा, एतत, एते, एतानि। द्वितीया, एतत, एते, एतानि। तृतीया, एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो ये इस प्रकार करके आपको शब्द रूप पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपका नए शब्द रूप दो लाइन देखने को मिलेंगे और तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक सभी आपको पुल्लिंग, जो पहले दिन याद किए थे, एषः का रूप, इसमें ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको पहले याद कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, ये दोबारा उसी को पढ़ना है और इसमें दो लाइन में दोनों एक जैसे हैं, तो एक लाइन याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो सिर्फ आपको अभ्यास करना है, याद करने में अभी आपको समय नहीं लगेगा। एतत, एते, एतानि। एतत, एते, एतानि। इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग में याद किए हैं, वही यहाँ पर आ गया है नपुंसक लिंग में। अत्यधिक जगह यही होता है। उसके बाद मूल शब्द तत् जानते हैं, वह। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक लिंग में तत्। नपुंसक लिंग तत्, वह। विभक्ति, वचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आए पाठ करते हैं। प्रथमा, तत, ते, तानि। द्वितीया, तत, ते, तानि। तृतीया, तेन, ताभ्याम, तहि। चतुर्थी, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी, तस्य, तयोः, तेषाम्। तस्मिन्, तयोः। सप्तमी, तस्मिन्, तयोः, तेषु। पुनः प्रथमा, तत, ते, तानि। द्वितीया, तत, ते, तानि। तृतीया, ते, ताभ्याम, तहि। चतुर्थी, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी, तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी, तस्मिन्, तयोः, तेषु। यहाँ पर देखिए सेम
एषः की तरह, एषः में जो बताया गया वही यहाँ है। तत्तेतानी और तत्तेतानी यही नया शब्द दिख रहा है, उसमें भी एक लाइन ही दूसरा में बताया गया। इसमें एक ही लाइन याद कर लें आपको सारा याद हो जाएगा, क्योंकि तृतीया से लेकर के सप्तमी तक आपको पुल्लिंग में जो याद किए हैं एषः में, सह वाले इसमें यही यहाँ पे है, बाद में प्रथमा द्वितीया ही नया है। तो इसको याद करें, उच्चारण करें, और इसको उच्चारण करके भेजने पर्सनल नंबर पे भेजें, और लिख करके भी पर्सनल नंबर पे भेजें। अब एक नया शब्द रूप जानेंगे, मूल शब्द होता है किम। जैसे किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, उसके लिए कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, किसको, किससे, इस प्रकार उसी में होता है। मूल शब्द उसका होता है किम। मूल शब्द क्या होता है? किम। जितने भी प्रश्न करते हैं, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में कह, क्या, स्त्रीलिंग में का, क्या, नपुंसक लिंग में किम, क्या, तीनों का क्या है, लेकिन लिंग के अनुसार इसका शब्द अलग अलग है। पुलिंग कह क्या, आज हम पुलिंग के बारे में पढ़ेंगे। विभक्ति वचन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी का आपको जानकारी है। एक वचन द्विवचन बहुवचन आप भली भांति कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज सिर्फ इसका पाठ करेंगे। प्रथमा कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कही, चतुर्थी कस्मै काभ्याम के भ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम के भ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषाम, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। पुनः प्रथमा कः कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कही, चतुर्थी कस्मै काभ्याम के भ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम के भ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषाम, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। यहाँ पर कहाँ विसर्ग है, कहाँ कितने मात्रा है, किस साइड से मात्रा लगी हुई है, इस पूरे पे ध्यान देना है। सो सुंदर अक्षरों में लिखना भी है और याद भी करना है। तो यह आज का तीन शब्द रूप दिया गया है। आ सभी बच्चों बच्चे ध्यान दें, इन सभी शब्द रूपों को आप ध्यान से याद करेंगे, पढ़ेंगे। एक और अगली कक्षा जो होगी उसमें शब्द रूप और धातु रूप के बारे में बताएंगे, उसके बाद पुनः द्वितीय पाठ को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि द्वितीय पाठ में जो विषय पढ़ाने के लिए दिया गया है उसका उसकी सहायता इन सभी शब्द रूपों से होगी। इस कारण से आपको पहले शब्द रूप के बारे में याद करवाया जा रहा है, इससे शब्द स्टॉक मतलब वर्ड मीनिंग शब्दार्थ बढ़ेगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि पाठ में शब्द जो दिया गया उसका अर्थ क्या है, उसको हम कैसे बनाएंगे। इन सभी चीज की जानकारी इन सभी शब्द रूपों से मिलता है। तो इन सभी शब्द रूपों को समझेंगे, उच्चारण शुद्ध करेंगे और याद करेंगे, तो आपको पुस्तक को पढ़ने में, समझने में, प्रश्न बनाने में, उत्तर लिखने में आसानी होगी, आपको समझना कम पड़ेगा। इसीलिए आप एक ये कह का रूप, तत् नपुंसक लिंग का रूप और एतत् नपुंसक लिंग का रूप आज कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उसको याद करें। और जो पिछली कक्षा में एषः का रूप, एषा का रूप, सः का रूप, सा का रूप याद करवाया गया है, उसका भी पुनरावृत्ति करेंगे। पीछे वाले को भूल नहीं जाना है, उसको भी याद रखना है। इस प्रकार आप सभी जो जो हर दिन पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखें और याद भी रखें, और इससे आपको पुस्तक पढ़ने में सहायता होगी। आज का विषय इतना ही है, आज का गृह कार्य देख लें। ऐसे हम भेजेंगे भी फोटो लेकर के, लेकिन ऐसे वीडियो में भी देख लें गृह कार्य। एतत् तत् कः शब्द रूपम लिखित्वा स्मरणम कुरुत, एतत् जो आज पढ़ाया गया है वो
तत् और आगे जो कह है तीनों शब्द रूप को लिखकर याद करना, मैंने सिर्फ याद करके नहीं छोड़ देना, लिखकर याद करना है। उसके बाद आज कक्षा कार्य क्या है CW, यही तीन शब्द एतत् तत् और कह शब्द रूपम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयता। उच्चारण मतलब सस्वर वाचन, बोल करके जिस तरह रिकॉर्ड करके भेज देते हैं उस तरह रिकॉर्ड करके भेजना है। लेकिन दोनों चीज कहाँ भेजना है आपको बताया गया था, पर्सनल नंबर पे। इसलिए वीडियो का अंत अंत तक हमारी बात को सुने, पर्सनल नंबर पे भेजना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इसको लिख करके रिकॉर्ड करके दोनों काम करके पर्सनल नंबर पे संस्कृत शिक्षक जो हैं उनका जो पर्सनल नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। वो शाम तक आपको चेक करके वापस करेंगे, आपको गलती और सही के बारे में बताएंगे। ग्रुप में सिर्फ इसमें कोई कठिनाई है, कोई शब्द को उच्चारण करने में दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम, उस समस्या को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई बात पूछनी हो तो उसको समझ सकते हैं और वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। यही आपका आज की कक्षा में पढ़ाया गया विषय है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे।